बता रहे हैं कि लोगों को दर्द बहुत भारी भरकम है, और कैसे करें? चलो बैठ जाओ। ऊपर से लेकर नीचे तक के दर्द के लिए ये सारे उपाय बताते बताते ये कार्योप्रैक्टिक का तो एक अभ्यास बता ही दिया है। एक्यूप्रेशर भी बता रहे हैं, अभी एक्यूप्रेशर भी करेंगे। और ये अभ्यास एक मिनट से लेकर के दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट तक ऐसे ठहर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड में पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। 10 सेकंड में फायदा शुरू होता है और 10 मिनट में पूरा फायदा हो जाता है। ये उष्ट्रासन जो न कर पाए तो अर्धोष्ट्रासन कर लो, आराम आराम से करना है। हम ओबेसिटी के लिए और बल ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शौर्य बढ़ाने के लिए तेजी से भी अभ्यास कराते हैं, लेकिन आज के अभ्यास बहुत धीरे होंगे। और योग में जहाँ शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, वहाँ धैर्य भी है। अब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके देखिए आराम आराम से अभ्यास कैसे करने, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और आज जो अभ्यास हम बता रहे हैं, एक एक अभ्यास 10 सेकंड से शुरू करके कितनी देर तक करने बच्चों? 10 मिनट तक। 10 सेकंड से शुरू करके, जोर से बोलो। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, लोग करते हैं 10 सेकंड करके, 10 सेकंड वक्रासन किया, अब इसके बाद हम भुजंगासन कराते हैं। 10 सेकंड करते हैं लोग, पैर पीछे मिले हुए, चार तरह से भुजंगासन करते हैं। अब 10 सेकंड ऐसे रुक जाते हैं और कहते हैं हाँ थोड़ा तो फायदा हुआ। अरे भाई 10 सेकंड करके शुरू, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, एक मिनट तक लेके जाओ। एक दो मिनट ऐसे रुके एक स्थिति में, तो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, 33 के 33 वर्टिब्राज, उनके भीतर का ऑस्टोब्लास्ट, ओसोक्लास्ट सेल्स का जो इम्बैलेंस, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन, और पूरा हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियों की ट्यूनिंग, हड्डियों की ट्यूनिंग, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो अष्ट चक्र हैं उनके अंदर एनर्जी की सैनर्जी होती है। अब 10 सेकंड ऐसे किया, फिर आ गए, श्वास भर करके रोक के रखते हैं। अब 10-20 सेकंड से शुरू करके एक मिनट तक तो ऐसे जाना, फिर रीढ़ की हड्डी को फौलादी बनाने के लिए ऐसे, स्वामी जी ये योगाभ्यास कराते कराते 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करना जी। ये भुजंगासन के तमाम जो वेरिएशन हैं, अलग अलग तरह से जो भुजंगासन है वो आप कराते कराते सवाल का भी जवाब दीजिए स्वामी जी कि स्पाइनल कॉर्ड इतना अहम क्यों होता है, और इसे हेल्दी रखने के लिए योग तो है ही, लेकिन और साथ में वो कौन सी चीजें हैं जिसे ध्यान रखनी चाहिए, उन 3 चीजों की तरफ आप हमारा ध्यान इंगित करें, इशारा दें कि क्या वो 3 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। हाँ जरूर जरूर, चल अब इधर बैठा, किसके हाथ पैरों में एक्यूप्रेशर को, यहाँ बैठ जाओ बेटा, इसमें यहाँ बैठ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ के करो। अब देखो इसके साथ साथ एक तो ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं झुकना चाहिए। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को कामासक्त नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए। चौथी बात, बैठने का पोस्चर सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उल्टे लेट करके सोए तो ऐसे सोए, ये इसको कहते हैं मकरासन। सीधे लेट करके सोए तो ऐसे सोए शवासन में, और यदि करवट भी लेना पड़े तो करवट में कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़े से पैर ऐसे मुड़े और हाथ के नीचे ऐसे, हाथ का या थोड़ा सा ऐसा 2 इंच का तकिया लगा के ऐसे करना, ऐसे नहीं लेना। तो बैठने लेटने का पोस्चर ठीक होना चाहिए। अगली बात, तो खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, थोड़े दिन खटाई बंद करनी पड़ेगी। अब भुजंगासन का तीसरा चौथा वेरिएंट भी करवा दे रहे हैं, भुजंगासन के 2 अभ्यास कराए, अब तीसरा अभ्यास दे रहे हैं भुजंगासन। चिंता से, तनाव से वात रोग बढ़ता है, सभी प्रकार के दर्दें बढ़ती हैं, लंबे लंबे श्वास। अब चिंता से मुक्त रहे,
ये ऐसे लबादे हमने ओढ़ रखे हैं, इतने बोझिल रहते हैं, अपने आप को थोड़ा हल्का रखा करें। लंबे लंबे श्वास ऐसे। अब अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा लेना चाहिए, उससे मसल्स मजबूत रहेंगे, कैल्शियम पूरा लेना चाहिए, उससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। धूप में कम से कम बैठना चाहिए आधा से एक घंटा, उससे विटामिन डी ठीक रहेगा। देखो तिर्यक भुजंगासन किया, अब ये भुजंगासन का चौथा अभ्यास। मकई की रोटी, मोटा अनाज खाना चाहिए उनको, चावल और गेहूं छोड़ करके बाजरा, मकई, जवार, चौलाई, सिंघाड़ा। लंबे लंबे श्वास। आजकल अंग्रेजी में मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स लेने चाहिए उनको ऐसे। सर्वासन, तो ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी सर्ग व सहजने का प्रयोग करना चाहिए, उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड या सीवकथोन का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति के लिए उसको न्यूट्रिला, वैसे तो हमने गुलाब फूल से तैयार कर दिया, उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता है। सर्वासन ऐसे और ये ऐसे, ये छोटी छोटी बातें हैं। और ये एक्यूप्रेशर जो अभी कर रहे हैं हाथों में पैरों में, 7 पॉइंट है मूल रूप से हाथों में पैरों में, ये तो पूरा कर रहे हैं। आज इस लड़के की तो पूरी कमर में दर्द अच्छी हो जाएगी, इंडिया टीवी पर देखते देखते ही, जो हमारे साथ ये सारे अभ्यास करेंगे और फिर एक्यूप्रेशर के पॉइंट कर लेंगे, तो आज पूरे देश का 90% कोशिश करेंगे हम कमर दर्द ठीक हो जाए। लोग एक सप्ताह तक इसको फॉलो कर लेंगे तो एक सप्ताह के भीतर भीतर पूरे देश की कमर ठीक कर देंगे हम। सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन सेविटिस, शैटकलोमा स्पोलाइटिस, एंकलोजिंग स्पोलाइटिस, आज करीब 50% से ज़्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। और थोड़ा बहुत कमर में दर्द तो, थोड़ा गर्दन में, कंधों में भारीपन तो सभी को हो ही जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है सामने छोटा है पीछे से उठा दिया, ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, या तो आपको कमर में दर्द था या तो है या होगा। योग नहीं करोगे तो कोई बच ना पाएगा कमर दर्द से, इतना ज़बरदस्त ये रोग है। इसलिए इस आज की बीमारी को हम बहुत गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं कि आप आराम आराम से सब अभ्यास कीजिए, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट लगातार करने के, फिर 10 बार में 10 मिनट तक। और भुजंग आसन तो फिर मैं लोगों को ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक करा देता हूँ। और जिनके 10-20-30-40 सालों से कमर में दर्द होता है उसको ठीक करता हूँ, फिर सीधे लेट जाए। अब देखिए, अब कमर में दर्द है तो और क्या क्या करें, दोनों पैरों को मोड़ लिया, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद लिया। लंबे लंबे श्वास। और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है और साथ में हड्डियाँ मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होती हैं तो इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड पाउडर भी दे देते हैं। किसी किसी की तो हालत ये होती है, अब जैसे अब ये जवान है, क्या नाम है बेटा आपका, मयंक, देखने में इतना स्ट्रोंग है ये बालक। अब ये जो 7 पॉइंट है वो पूरे के पूरे दबा रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हाथों में भी है पैरों में भी, हाथों में भी पैरों में भी, ये पॉइंट दबाएं। अब ये मयंक ऐसे इतना बलवान बालक है, इसमें और कहीं कमजोरी नहीं है, इसका दिल, इसका दिमाग, इसके आँख, इसके नाक कान सब, हाथ पैर सब मजबूत है। इसकी भुजाएं ऐसे करके दिखा जिम वाली है, सब फौलादी लड़का है, रोक थोड़ी देर है एकदम से। अब देखने में फौलादी बालक है लेकिन इसकी कमर की फूक निकली पड़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।